एक तरफ जहां भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वनडे वर्ल्ड कप 2023 में एक छत्र राज करती हुई नजर आ रही है, वहीं इस टूर्नामेंट में अभी तक पाकिस्तान की हालत खस्ता दिखी है। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने सभी 8 मुकाबले जीत कर मजबूती के साथ टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है, जबकि पाकिस्तान के साथ अभी भी सेमीफाइनल में पहुंचने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पूर्व खिलाड़ी की दशा और दिशा बेहद खराब नजर आ रही है। जहां पाकिस्तान के क्रिकेटरों की लाइन लेंथ खराब है, वहीं कुछ पूर्व खिलाड़ियों की दिमागी हालत भी ठीक नहीं लग रही। दरअसल पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी हसन रजा ने हाल ही में वर्ल्ड कप 2023 को लेकर ICC और BCCI पर सवाल खड़े किए थे और DRS को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। यहां तक कि जब उनसे एक स्पोर्ट शो के दौरान ये पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय गेंदबाजों के अलावा किसी भी टीम के गेंदबाज उतने कारगर साबित क्यों नहीं हो रहे, तो इस पर हसन रजा ने जवाब दिया था, इस वर्ल्ड कप में भारतीय गेंदबाजों को अलग और अन्य गेंदबाजों को अलग गेंद इस्तेमाल करने के लिए दी जा रही है। हसन रजा के इस बयान के सामने आते ही पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया और सबसे पहले तो खुद उन्हीं के देश के पाकिस्तान के दिग्गज स्विंग के किंग वसीम अकरम ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा था, कम से कम अपने साथ हमारी और पाकिस्तान की बेइज्जती तो मत करवाओ। वसीम अकरम के अलावा कई और दिग्गजों ने हसन रजा को खरी खोटी सुनाई और अब इस कड़ी में लाला यानी कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का नाम भी जुड़ गया है। मोहम्मद शमी ने हसन रजा के इस बयान पर करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती ही बंद कर दी है। मोहम्मद शमी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी सेक्शन में हसन रजा का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, शर्म करो यार, गेम पर फोकस करो ना कि फालतू बकवास पर, कभी तो दूसरे की सक्सेस को एंजॉय किया करो। छी यार। मोहम्मद शमी ने आगे लिखा, ये ICC वर्ल्ड कप है, आपके लोकल टूर्नामेंट नहीं है और आप भी तो प्लेयर थे ना। वसीम भाई ने समझाया, एक्सप्लेन भी किया, फिर भी आपको अपने प्लेयर वसीम अकरम पर भी यकीन नहीं, आप अपनी खुद की तारीफ करने में लगे हैं जनाब, बिल्कुल वाओ की तरह। अब वर्ल्ड कप 2023 में कमाल करने के बाद मोहम्मद शमी सोशल मीडिया पर भी जमकर बवाल मचा रहे हैं। वैसे आपको कैसा लगा मोहम्मद शमी का बयान, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।